नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार में। मैं हूं आपका दोस्त नितेश राठौर और आज हम बताने वाले हैं आपको बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार्स की सबसे ज़्यादा पसंद की गई फिल्मों के बारे में। जी हां दोस्तों, हम ऐसी 3 फिल्मों के बारे में आज बात करने वाले हैं जिन्हें दर्शकों ने काफ़ी मात्रा में पसंद किया है। तो चलिए जानते हैं उन 3 सुपरस्टार्स की 3 फिल्मों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म देवदास की। 12 जुलाई 2002 को रिलीज हुई ये फिल्म प्यार करने वालों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे। इस फिल्म का निर्देशन किया था संजय लीला भंसाली ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था भरत शाह और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने। दोस्तों इस फिल्म की कहानी ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस फिल्म की लागत रही थी 40 करोड़ रुपये और इस फिल्म ने दुनिया भर से कमाए थे 100 करोड़ रुपये और ये फिल्म भारत में काफ़ी पसंद की गई थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी फिल्म यानी कि सलमान खान की फिल्म तेरे नाम के बारे में। इस फिल्म को दर्शकों ने काफ़ी मात्रा में पसंद किया था। इस फिल्म का निर्देशन किया था सतीश कौशिक ने। इस फिल्म का निर्माण किया था सुनील मनचंदा और सतीश कुलरेजा ने। 15 अगस्त 2003 को रिलीज हुई सुपर रोमांटिक फिल्म दर्शकों में काफ़ी मात्रा में पसंद की गई थी। इस फिल्म के निर्देशन में कोई भी कमी नहीं थी। इस फिल्म में सलमान खान, भूमिका चावला, रवि किशन और सचिन खेड़ेकर मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म की कहानी रवि किशन, भूमिका चावला और सलमान खान के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म में सलमान खान भूमिका चावला से प्यार करने लग जाते हैं और इसी की तरह यह फिल्म चलती रहती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म की लागत मात्र 10 करोड़ रुपये थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दर्शकों ने पसंद किया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी फिल्म यानी कि गजनी की। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन किया था एआर मुरुगदोस ने। यह फिल्म आई थी 25 दिसंबर 2008 को। इस फिल्म में आमिर खान, आसिन और जिया खान मुख्य किरदार में थे। इस फिल्म में आमिर खान एक बिजनेसमैन की भूमिका निभा रहे थे, वहीं आसिन को यह बात पता नहीं थी। आपको बता दें दोस्तों कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा में 100 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली पहली फिल्म है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म की लागत मात्र 50 करोड़ रुपये थी और इस फिल्म ने दुनिया भर से कमाए थे 180 करोड़ रुपए और ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। दर्शकों ने इसे काफ़ी मात्रा में पसंद किया था। दोस्तों अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें तो आमिर खान की गजनी लागत और कमाई के मामले में इन दोनों ही फिल्मों से आगे है। वहीं अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो शाहरुख खान की फिल्म देवदास काफ़ी ज़्यादा आगे रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा दर्शकों ने पसंद किस फिल्म को किया तो उस फिल्म में नाम आता है सलमान खान की फिल्म तेरे नाम का। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को काफ़ी मात्रा में पसंद किया गया था। तो दोस्तों इन तीनों ही फिल्मों में आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।